गोपियां हैं राम जी के जमाने की। इन्होंने पति रूप का वरदान श्री राम जी को सुबह 6 बजे हो जाता है। ये कृष्ण रूप है, ये वृक्ष देख रहे हो ना, उनका दर्शन है। पतली वाली राधा है और मोटे वाले कृष्ण जी है, एक ही वृक्ष में है दोनों प्रिया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और ये मेरा वृंदावन ट्रिप का वीडियो नंबर 4 है। और पहले 3 वीडियो में मैं आपको नया रंग जी, प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल और निधिवन का पहला पार्ट दिखा चुका हूँ। ये निधिवन का दूसरा पार्ट है जिसमें हम रास मंडल और किस तरह से राधा रानी ने श्री कृष्ण की बंसी चुराई वो देखेंगे। यहाँ बंसी चुराई राधा रानी ने, कन्हैया जी भगवान तो सबकी चोरी करते थे, राधा रानी ने कृष्ण का चोरी किया, जो बांसुरी चुरा करके यहाँ स्वयं कृष्ण बनी है राधा रानी, तो उनका नाम पड़ गया बंसी चोरी राधा रानी, जो सामने दर्शन करेंगे। अच्छा, उनका वो है फोटो है ना उनका, हाँ मैं देखा था, एक एक फेरी लगा राधे राधे फेरी कर। देख लेते हैं, ये स्वामी जी की समाधि है इसके अंदर में। अच्छा, मत सन 1535 के चलेंगे, अंदर चलेंगे। अच्छा, यहाँ से घूम के मां चलेंगे। और ये जो दो सखी खड़ी है ललिता और विशाखा बॉडी गार्ड के रूप। अच्छा, राधा तू बड़े भाग को रखा है जी, अपने हाथ में रखा है भगवान ने, इसका नाम है गौलोक धाम बोलते हैं इसको। और भगवान कृष्ण आज भी इसमें 12 महीना रास लीला करते हैं। आप 365 दिन होते हैं हमारे, 365 दिन भगवान यहाँ रास लीला करते हैं। ना तो पान लड्डू का जो दर्शन है, दोबारा लगा ऐसे दिखा के फिर चित्रकूट की राम रज कुंज गली की दूर, ये रजड़ो मस्तक लगे पाप हो सब दूर, सारे तीर्थों का राजा प्रयागराज है, सारे तीर्थों का गुरु पुष्कर है, और ये 84 कोस कृष्ण का हृदय है, इसका राज भगवान ने किसी को नहीं दिया, अपने हाथ में रखा, इसको बोलते हैं गौलोक धाम। बोलो राधा रानी, राधा रानी। ये सब समाधियां बताओ जी, देखो ये सब समाधियां हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब, जो यहाँ पर रुक गए देखने के लिए भगवान जी को, जो परीक्षा लेना चाहते थे भगवान की। सही है, साढ़े 7 बजे दोनों गेट बंद हो जाते हैं रात को, शाम को इसके बाद कोई नहीं आ सकता है, मोर बंदर पशु है कोई नहीं, सब बाहर ताला लग जाता है, सब में एक भी आदमी नहीं रहेगा, यहाँ तो रहते हैं बाहर, ये दोनों गेट के अंदर कोई नहीं रहेगा, यहाँ तो रहते हैं आदमी, इसके अंदर कोई नहीं जा सकता है। 8 बजे रात को लास्ट ये बंद हो जाता है। अब देखिए हम उसी जगह आ गए जहाँ पे घूम के गए थे, भैया ने हमें एक दर्शन करा दिए, अभी 2-3 और बाकी हैं, 4 जी। लखनऊ वाला सेठ का, इसके कोई लड़का नहीं था, इसने ठाकुर जी से 4 धाम व्यक्तियों की मनोच्छा पूरी की थी, तो जब इनकी मनोच्छा पूरी हो गई तो लड़का का सुखी ने जी पूरा मंदिर बनाया। इनका जो मुनीम था धर्म में खोटा बोला, सेठ बोला इसको पूरा मार्बल का बना देना, और उसने क्या किया, आधे में तो ये लाल पत्थर लगा दिया, ये देख रहे हो ना, ये लाल पत्थर लगाया, आधे में ये मार्बल लगा दिया, सारा पैसा खा गया धर्मादे का, भगवान ने इसे अंधा कोड़ी कर दिया। सेठ ने मंदिर बना के अपमान नहीं किया, अपने पूरे परिवार का
तारों का यहाँ पे फोटो जमीन के अंदर में लगा हुआ है जिसका। अच्छा। मुनीम का भी लगा हुआ है, अंधा हो गया ना तो मुनीम का भी फोटो इसके अंदर में लगा हुआ है। ये 200 साल पुराना मंदिर है जी। 200 साल? हाँ जी। और जी लड़का जो रहते हैं ना सेठ जी के, इसके पीछे रहते हैं, इनका मकान है ये मंदिर है, साहब बिहारी लाल नखलऊ के। फ्रेंड्स, वी विल कवर अदर टेम्पल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।